पानी आ गया है उस तरफ से तो ये तो अभी नया नया लग रहा है अभी अभी धबरा होगा ये ये अगर घुस जाएगा तो इस तरफ पानी घुस जाएगा और गांव बर्बाद हो जाएगा लेकिन आने वाला साल को यहाँ खेती करने वाला लोग खेती नहीं करने से भी अच्छा होगा मैंने का तरीका देखिए आप लोग देख ही रहा पहले से देख ही रहा है ये जैसे बनाया है जो ये रोट है मैक्सिमम तीन चार फीट जैसा नीचे दब चुके हैं ये देखिए हेलो गैस आप सबको स्वागत करते हैं ये बंदा ये बंदा गैस इस बार फिर से हम नदी का किनारे में आए हैं मेरा आने का वजह ये है जो नदी को बंद किया है वाल से यहाँ की यानी कि यहाँ खेती की तरफ में आपका पानी ना जाए इसलिए तो इसके बारे में आप लोगों को हम पहले से वीडियो बना के बेच चुका हूँ तो ये जो वाल है किस तरह से फाट रहे हैं नहीं फाटने से पहले बनाया है और कैसे फाटा वो सब के बारे में बनाते जा रहा हूँ तो गैस इस बार भी हम थोड़ा कुछ यहाँ का बारे में आप लोग को बताने के लिए मैं आया हूँ क्योंकि ये जो वाल फाट चुका था यहाँ पे एक टुकड़ा जो ये वाल फाटने के बाद में यहाँ पत्थर का बिछाया गया था पत्थर का जो बंडल है बनाया गया था तो अभी जो देख रहा है जो पत्थर का भंडार भी मतलब टूता टूट रहे हैं मतलब थोड़ा दब गए हैं तो उसके बारे में थोड़ा आप लोग को दिखाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ तो चलो हम लोग देखते हैं गो इस तरफ है तो पहले ये वाल इतना बढ़िया था तो जब ये वाल था तब से हम आप लोग को वीडियो बना के दिखा रहा था तो अभी देखो ये वाल जब टूट गया है टूटने के बाद यहाँ पे पत्थर से बिछाया गया है तो पत्थर बिछाते समय भी पूरा उछा था ये रोड है रोड से ऊपर तरफ तो बिछा के रखा था ऊपर तो अभी क्या हो गया है आजकल जो पानी गिरने की वजह से ये पानी तरफ तो तो भर गया है भरने की वजह से ये क्या हो गया पत्थर जो नीचे तरफ तो फिर मिट्टी खान रहा है ना पानी जो इसकी वजह से ये पत्थर नीचे धब रहे हैं देखिए गैस है। ये कितना उच्छा था ये जो रोड से ऊपर कितना उछाई में था अभी जाके पूरा नीचे धब रहे हैं ये देखिए और दिखाई दे रही है इधर इधर से लेकर ये पूरा धब रहे हैं धपने का बात तो धप भी गया है लेकिन बात असली बात जो ये है कि धप धप ही सिर्फ नहीं रहा कि ये वाल जो पत्थर है उस तरफ जा रहे हैं उस तरफ मतलब धपने के बाद भी उस तरफ जा रहे हैं देखो कितना उस तरफ आ गया जो यहाँ का वाल था तरह कुछ इस तरफ में था वो वाल भी गिर के नीचे जा चुका है तो अब ये देखो किस तरह से इसको बनाने का तरीका देखिए आप लोग देख ही रहा पहले से देख ही रहा है ये जैसे बनाया है जो ये रॉड है रॉड ये रोड उस नीचे प्लेट है प्लेट के ऊपर जो वाल बनाया है रॉड से तो ये रॉड का ऊपर में फिर ये क्लेम लगाया है इसके बाद ये ऊपर इसको लगा दिया गया है तो देखिए अभी जो ये पत्थर बिछाया हुआ जो धप गया है धपने वाला जो फिर उस तरफ तरह जा रहे हैं तो अब ये शायद ये जितना नीचे मिट्टी जाएगा उतना ये धपते जाएगा होगा या इसको भी बहा के ले जाएगा होगा पता नहीं तो अभी ये देखो ये पेंसिंग जो ये इसको बांध गया बांध के रखा था पत्थर को तो ये पेंसिंग तो अभी उछुर रहे हैं ये देखो तो अभी क्या होगा मैं इसलिए ये वीडियो को बना रहा हूँ कि काल परसों हो सकता है पानी भरने के बाद ये पत्थर कोई उठा के लेके जाए तो कोई कोई लोग तो दिखाई नहीं देगा शायद पत्थर लगाया था कि नहीं लगाया था तो वो भी पता नहीं चल होगा इसलिए हमने ये वीडियो बनाया हूँ ये हमें वाल टूटने के बाद पत्थर का वाल बनाया है पत्थर का वाल भी अभी धब रहे हैं यानी कि तुरा बाहर जा रहे हैं तो अभी देखिए कितना कितना पीत धप चुके हैं मैक्सिमम तीन चार पिथ जैसा नीचे धप चुके हैं ये देखिए और ये पूरा जितना दूर तक पत्थर लगाया है सब एरिया से ये धप रहे हैं Gefilm, तो गैस ये, ये जो पट रहे हैं तो ये साल में अभी जो पानी भर रहा है बस अभी ही बढ़ेगा अभी तो पानी घट जाएगा बाद में पानी घट जाएगा तो ठंडा सीजन आ ही जाएगा उसमें तो पानी गिरेगा ही नहीं पानी कम हो जाएगा तो इस साल में ऐसे होने से भी रुक जाएगा वो ये जैसे तैसे रुक जाएगा लेकिन आने वाला साल को यहाँ खेती करने वाला लोग खेती नहीं करने से भी अच्छा होगा मेरा मतलब से मेरा ख्याल से क्योंकि यहाँ ये अभी घट जाएगा ये आने वाला साल में तो पानी भर जाएगा और ये उठा के लेके जाएगा नदी और जाके उस तरफ वाल है जो वाल उस तरफ साइड में जो है वो भी पूरा एरिया बहुत दूर तक फट चुके हैं वो वाल भी आने वाला साल में जब तो तरफ तो पानी भर जाएगा तो वो भी निकल जाएगा ऐसे लग रहा है हमको और निकल भी जा सकता है तो अभी आप लोग उसको वो एरिया को भी दिखाते हैं फिर आने वाला साल में हम लोग जब पानी भर जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि कितना यहाँ से निकल के ले जा सका है तो कैसे इतना ऐसा नदी तो हम बहुत बार देखा है इससे तगड़ा तगड़ा वाला नदी भी देखा है तो कोई इससे तगड़ा तगड़ा नदी भी कितना बढ़िया से वाल बन के रुका रुका के रखा है ऐसा वाला जगह भी हम देखा है लेकिन हमारा यहाँ का को ये वाला नदी को क्यों नहीं रुका पा रहा है और कैसे नहीं रुका पा रहा है कैसे बना रहा होगा हमारे यहाँ का सरकार तो हम लोग देखिए बने रहिए मेरे साथ तो आगे हम लोग देखते हैं और आगे किस तरह से टूट रहे हैं चलो लेट्स गो तो कैश हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पे फाट रहे हैं तो ये जो इलाका है आपका 200 200 मीटर 200 मीटर जो डिस्टेंस है वो एरिया को फाट चुके हैं तो so, कैश अभी ये जो पानी भरने भरेगा बोलके ये यहां पे आपका बम्बू से बंडल भी बनाया गया था बम्बू से देखो ये बम्बू से जो पानी को रुकने के लिए यानी कि यहाँ पानी का जो धार है इस तरफ नहीं आने के लिए ये आपका बम्बू का ये बंडल सिस्टम में बम्बू का एक बेरा भी बनाया था लेकिन वो बम्बू का बेरा भी आदि का जो पानी भरा हुआ है इसमें टूट गया है हम लोग को दिखाता हूँ सर ये देखिए ये ये गैस ये, ये जो गैस उस तरफ से लेकर इस तरफ से लेकर उस ट्रफ तक बनाया गया था लेकिन ये थूट चुका है और उसके और आगे भी बनाया गया था उधर भी तो वो सब भी थूटा हुआ है उधर भी थूट गया है जितना भी यहाँ से लाइन लाइन बनाया था सब टूट गया है यानी कि ये पानी इसको तूटा चुका है तो ये सब बड़ी बात नहीं जो टूट गया है क्या करेगा पानी भरने से टूटी जाएगा तो ये धार इधर आकर इधर टक्कर ना दे इसलिए बनाया था ये टूट चुका है तो क्या सबसे पहले अभी आप लोग कहाँ दिखाना चाहता हूँ ये जो एरिया है ये जो एरिया है ये गांव है ये गांव की तरफ पड़ता है जो आगे आप लोग को बताया था जो अभी बंडल बना के रखा था पत्थर वाला तो टूट गया है वो वो टूट जाने से तो आने वाला साल में वो टूट जाएगा तो वो उधर तर कैसी तरफ जाएगा पानी कैथी तरफ जाएगा तो क्या होगा वो कुछ गाँव पाँच छः गाँव का खेती बर्बाद कर देगा लेकिन जो ये एरिया है ये अगर टूट जाएगा तो ये इधर गाँव गाँव एरिया है इधर जो ये गाँव एरिया है ये गाँव एरिया तरफ ये पानी घुस जाएगा तो उसके लिए गांव गांव लोगों के लिए ये तरह तो खतरा हुआ है ये देखिए यहाँ से टूटा हुआ है ये एरिया जो टूटा हुआ है यहाँ मैक्सिमम ये पिप्टी मीटर जैसा टूटा हुआ है यहाँ भी अब ये जो मिट्टी है जो पहले वो जैसे धब रहे थे इसी तरह ये धब जा, जा रहे हैं ये देखो कितना डेंजरस से धब रहे हैं जैसे भूखम आ गया हो इस तरह से धब रहे देखो कितना धब चुका है और यहाँ फाट रहे हैं ये देखो यहाँ फाट रहे हैं बीस बीस मिनट फाट रहे हैं टूट रहे हैं यहाँ पर धब रहे हैं ये एरिया से लेकर जाकर उस ट्रेप तक पहुंचते हैं मैं आप लोग को दिखाते जाऊंगा पहले में ये जो नदी है उस तरफ तक तर न्यू सिलातू के गांव था जो सुंदर से गांव बसा हुआ था बहुत बड़ा गांव था एक तो उधर तो क्या हो गया अभी वो पानी बन गया है वो न्यू सिलातू को पूरा पानी ले गया इसकी वजह से न्यू सिलातू अला गाँव अभी तीन बाग में डिवाइड हो गया एक तो शापुरी बोल के उस तरफ उस पार में चला गया और एक तो है पारम में जो नौकन शादी का सामने है एक तो गिजिंग में गिजिंग गिजिंग उसमें जो आपका शिलातू उस तरफ पार में है ऐसा करके तीन डिवाइड होके भाग हो गया तो अभी ये गांव में अगर ये पानी आ जाएगा ये गांव को तक गांव का अगर बर्बाद कर रहे तो ये गांव वाला कहा जाएगा तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ हम आप लोग को दिखाते रहेंगे ये नदियों का अपडेट यहाँ से यहाँ से लेकर भी फाटा जा रहा है देखो फाट रहे हैं ये एरिया भी तो देखो ये पूरा मतलब ये जितना वाल है सब वाल ही धप रहे हैं फाट रहे जमीन देखो ये जितना वाल है सब टूट जाएगा लगता है आने वाला साल में ये देखो कितना ये फाट चुका है ये देखो उस तरफ से लेकर ये पूरा ये इलाका फाट रहे हैं पूरा ये सब ये देखो ये देखो ये ऐसे ऐसे गए और यहाँ तो धब गए हैं ये धवाला तो अभी ये ये तो के पानी निकल रहा है पानी आ गया है उस तरफ से तो ये तो अभी नया नया लग रहा है अभी अभी धब रहा हुआ ये तरीका अभी भी धब रहा हुआ ये देखो पूरा धप चुका है नीचे जा चुका है पानी सा पानी उधर से वापस वहाँ का पानी इस पार आ गया है ये गिर जाएगा लगता है ये अभी तो देखो पानी आ गया है उस पर तो गैस आप लोग बताइए इसको किस तरह से अभी देखो ये एरिया से लेकर ये देखो पूरा उस तरफ से लेकर फाड़ रहे हैं देखो ये एरिया यानी कि यहाँ से वो हाँ पे मेरा ऑटो दिख रहा होगा लुग, आप लोग आपको दिखाते हैं यहाँ से लेकर वो मेरा ऑटो दिख रहा है जहाँ मैं ऑटो को रखाऊँ वो देखो वो एक व्यक्ति है वहां से ये मैक्सिमम टू हंड्रेड मीटर होगा टू हंड्रेड मीटर लॉन्ग ये फाट चुका है ये देखिए ये अगर घुस जाएगा तो इस तरफ पानी घुस जाएगा और काव बर्बाद हो जाएगा तो आप लोग बोल के देखिए तो गैस आप लोग सोच के देखिए ये काकोनी गांव अगर बर्बाद होगा तो कहाँ जाएगा ये काकोनी गांव कहाँ रहेगा अब लोग आने वाला साल को तो ये टूट ही जाएगा डायरेक्ट पता है ये अभी तो पानी रुक जाएगा अभी जितना बड़ा है उतना ही बढ़ेगा पानी फिर पानी रुक जाएगा आने वाला साल को ही ये टूटेगा अभी तो इस साल तो टूटेगा नहीं जितना भी ये करो लेकिन आने वाला साल को टूटेगा तो आने वाला साल को क्या ये रुका सकेगा एक ही झटका में ये खत्म कर लेगा अभी अभी ऑलरेडी यहाँ हाफ परसेंट टूटा हुआ है तो आने वाला साल को तो एक झटका में के लेके जाएगा तो गैस ये गांव सलाह जाने से यहां से आपका डायरेक्ट शिलातू होके जाएगा आपका नौकन होके जाएगा इसके माड़पुर तक पहुंच जाएगा तो आप लोग इस साल में जितना हो सके आप लोग इस ये वाल के बारे में ये जो महतारी है इसके बारे में आप लोग चर्चा कीजिए हर किसी से इसके बारे में थोड़ा तो आप लोग बताए बातचीत कीजिए कि ये जो ठंडा सीजन होगा जब ये पानी इस इस साल में ये दो ये पाँच छः महीना में, में अगर इसका इसके लिए एक्शन नहीं लेगा तो आने वाला साल को ये सच में टूट जाएगा तो गैस मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग आप लोग अगर कोई यहाँ पे आकर देखना चाहते हैं तो ज़रूर आके यहाँ विजिट करके जाइए यहाँ देख कर जाइए क्या हो रहा है यहाँ का हाल अगर ये टूटने पर क्या होगा हमारा वहाँ का हाल माधिकपुर एरिया का हाल बा मेले का हाल वो आप लोग तरफ देखिए इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ तो इसके बारे में थोड़ा तो चर्चा कीजिए इसके लिए मैं वीडियो बनाया हूँ तो गैस ठीक है आज का वीडियो यही पे हम लोग खत्म करते हैं जो इसके बारे में आप लोग जरूर सोचिएगा जरूर बातचीत कीजिएगा और जरूर आप लोग विजिट करने आएगा ये देखने के लिए आएगा तो यही हम आप लोग को द, आ, कहना चाहता हूँ इसके बाद वीडियो का यहीं पे खत्म करते हैं फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग अलग वीडियो में मिलेंगे टाटा बाय बाय